हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिंप्लेक्स क्लासेस। क्या आप जानते हैं हैप्पी हाइपोक्सिया क्या होता है? हैप्पी हाइपोक्सिया कोविड का एक नया लक्षण है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर युवाओं में गंभीर लक्षणों और मौतों के साथ सामने आ रही है। कई केस ऐसे भी हैं जहां मरीज बिना लक्षण के हैं, मतलब असिम्प्टोमेटिक हैं, कोई लक्षण नहीं है उनमें। फिर एकाएक ऑक्सीजन का लेवल उनमें घटता चला जाता है, इसका कोई भी सिम्टम नहीं मिलता है, अचानक से ऑक्सीजन लेवल्स गिरने लगते हैं। इसी को हैप्पी हाइपोक्सिया कहते हैं। हाइपोक्सिया का मतलब होता है खून में ऑक्सीजन के स्तर का कम हो जाना। स्वस्थ व्यक्ति के खून में ऑक्सीजन सैचुरेशन 95% या उससे ज्यादा होता है, पर कोविड मरीजों में ऑक्सीजन सैचुरेशन घटकर 50% तक पहुंच रहा है। हाइपोक्सिया की वजह से किडनी, ब्रेन, हार्ट और अन्य प्रमुख अंग जो है ऑर्गेन्स काम करना बंद कर देते हैं। कोरोना मरीजों में शुरुआती स्तर पर कोई लक्षण नहीं दिखता, वो ठीक और हैप्पी ही नजर आता है, इसीलिए इस बीमारी का नाम हैप्पी हाइपोक्सिया दिया गया है। हैप्पी हाइपोक्सिया में पेशेंट को 24 से 48 घंटे के अंदर ही हालत बिगड़ने लगती है, उसे वेंटिलेटर पर रखना पड़ता है। ऐसे मरीजों को मामूली लक्षण होते हैं या कभी कभी असिम्प्टोमेटिक भी होता है। हैप्पी हाइपोक्सिया का शिकार ज्यादातर युवा हो रहे हैं क्योंकि वे लक्षणों को सहन कर जाते हैं और उन्हें पता नहीं चलता है कि ऑक्सीजन का स्तर घट रहा है। हैप्पी हाइपोक्सिया से समय समय पर शरीर के ऑक्सीजन स्तर की जांच करके बचा जा सकता है। ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल्स को मॉनिटर करके आप हैप्पी हाइपोक्सिया से बच सकते हैं। ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। Thanks for watching.